भारतीय स्मार्टफोन बाजार में लगातार नए स्मार्टफोन्स की भरमार है, लेकिन बजट स्मार्टफोन से देश में अपनी पैट बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। दरअसल Xiaomi की Mi 11 सीरीज के दो स्मार्टफोन्स ने लॉन्चिंग के सिर्फ 45 दिनों में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। कंपनी ने इस सीरीज के तहत Mi 11X और Mi 11X Pro दोनों को लॉन्च किया था। Mi 11X और X Pro 23 अप्रैल को लॉन्च हुए थे। ये दोनों ही फोन मेड इन इंडिया हैं। इन दोनों स्मार्टफोन्स के यूजर्स को पसंद आने की वजह हैं इनके बेहतरीन फीचर्स। बता दें कि Xiaomi के Mi 11X और Mi 11X Pro दोनों में रिवोल्यूशनरी कैमरा, नया फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 870 और 888 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें पावरफुल डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर, 120 हर्ट्ज E4 सुपर एमोलेड डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है। इन सुविधाओं का मकसद ग्राहकों को एक प्रीमियम स्मार्टफोन का अनुभव देना है। ये मिड रेंज Mi 11X और Mi 11X Pro स्मार्टफोन 3 रंगों में, यानी कि कॉस्मिक ब्लैक, लूनर व्हाइट और मैजिक सेलेस्टियल सिल्वर में उपलब्ध हैं। इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपए है, और वहीं इसके 8GB प्लस 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपए रखी गई है। इसमें 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंसर दिया गया है। वहीं Mi 11X के 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपए है, और इसके 8GB रैम और 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपए है। इसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। इन दोनों ही फोनों का स्क्रीन साइज 6.67 इंच का है। इसके साथ ही दोनों में 4520 mAh की बैटरी मिलती है। Mi ने देश में कम कीमत में ज्यादा फीचर देकर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अब कंपनी ने अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए मिड रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन्स में भी एंट्री ले ली है, और इस सेगमेंट में भी वो कम समय में ही अपने पैर जमाने में कामयाब रही है। अब कंपनी Mi 11 सीरीज के नए स्मार्टफोन Mi 11 Lite को बाजार में लाने की तैयारी कर रही है। Mi 11 Lite को 22 जून को देश में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की सीरीज के दो स्मार्टफोन पहले ही बिक्री के मामले में रिकॉर्ड बना चुके हैं। Mi ने 300 करोड़ रुपए की बिक्री के बाद अपने यूजर्स को विश्वास के लिए धन्यवाद कहा है। इसके साथ ही कंपनी का लक्ष्य आने वाले समय में भरोसेमंद, प्रीमियम और फीचर पैक डिवाइस लाने का है। कंपनी को उम्मीद है कि यूजर्स को आने वाले स्मार्टफोन्स भी इतने ही पसंद आएंगे।